राज्य की राजनीति में चल रही उठापटक के बीच मनसे नेता अमित ठाकरे ने ईशाल वाड़ी की घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तरदायी ठहराते हुए तंज कसा, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने जवाबी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल रायगढ़ जिले के ईशालवाड़ी क्षेत्र में हुई दुर्घटना पर बोलते हुए विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष अमित ठाकरे ने भाजपा पर जमकर तंज कसते हुए कहा था कि भाजपा यदि विधायक फोड़ने में व्यस्त ना होती तो ईशालवाड़ी की घटना टली होती। जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हमने किसी के विधायक नहीं फोड़े है, न हमें किसी के विधायकों के फोन आते है। हमारी राजकीय पार्टी है और हम पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, कोई सन्यासी नहीं, और जिसे पार्टी के साथ आना है उसके लिए हमारा दुपट्टा तैयार है। आम्ही कधी कुणाचे आमदार फोडत नाही, कुणाचे आमदाराकडे फोनही करत नाही, पण आमचा पक्ष राजकीय पक्ष आहे। आम्ही राजकारणात काम करणारे सक्रिय कार्यकर्ते आहोत, आम्ही काही संन्यासी नाही आहोत। त्यामुळे कुणी जर भाजपमध्ये आलं तर आमचा दुपट्टा तयार आहे, त्यामुळं कुणी आलं तरी आमची तयारी आहे, त्यामुळं आम्ही कोणाच्या घरी काही आमदार फोडाफोडी करत नाही। NBC न्यूज के लिए अजित कुवर के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।